हाय फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग मेरे तरफ से, और नए साल का सभी को जोहार और हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं नए साल के लिए। और अभी मैं मेरे रूम में हूँ और मैं अब जाने वाला हूँ वैक्सीन लेने, कोरोना का वैक्सीन लेने के लिए मैं जा रहा हूँ। और मेरा पहला डोज है वो मैं ले चुका हूँ, और अब मैं सेकेंड डोज के लिए जा रहा हूँ। कॉलेज में ही आए हुए हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो मैं कॉलेज में ही ले लूँगा अभी। चलिए तब चलते हैं, और हम लोग जा रहे हैं कॉलेज। देखिए मेरे साथ और हाँ तीन भाई, लड़के हैं, हम लोग जा रहे हैं कॉलेज कैंपस। और पहला डोज हम लोग ले चुके थे, और मैं बताऊंगा आपको पहला डोज का क्या अनुभव होता है। अनुभव यही था कि मतलब जब हम लोग ले चुके थे, दूसरे दिन काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार हो गया था। हम लोग 10 कुल लड़के 10 वैक्सीनेशन लिए थे, लेकिन दो ही लड़के को बहुत ज़्यादा बीमारी हुई थी, मतलब दूसरे दिन। और हमको तो बीमार कुछ नहीं हुआ, हम तो फर्स्ट, मेरा शरीर शायद ठीक था तो अच्छा ही हमको लगा था। मुझे हाँ बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और सिर दर्द कर रहा था, मुझे दवाई खानी पड़ी ठीक होने के लिए। और जो आठ नौ आप लड़के बोलिए, थे, आप भी कुछ आठ नौ लड़के थे, आप उनको भी कुछ कुछ नहीं हुआ, कोई असर नहीं हुआ, सिर्फ थोड़ा सा बोलिए। हल्का फुल्का बीमारी जैसा लगा और हाथ में दर्द उठी थोड़ी सी, और बाकी बात सब सही था। बस मुझे ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी, लेकिन फिर मैं ठीक हो गया। अब सेकेंड डोज के लिए मैं जा रहा हूँ आज, और 11 जनवरी तक हमारा सेकेंड डोज का समय है, तो मैं उससे पहले ले लेता हूँ। आप भी ले लीजिए, क्योंकि जब पहले ये वैक्सीन आया था तो बहुत सारी अफवाहें आई थी कि नेगेटिव जो बातें हुई थी कि इससे ये हानि हो सकता है, बहुत सारी नुकसानें होने की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो सब अफवाहें थी। और हम लोगों ने वैक्सीन लेना शुरू किया, और बहुत सारे लड़के ने भी वैक्सीन ले लिया है अभी तक। आप देख सकते हैं दो लड़के, देखिए और हमारा सामने एक ये भी बबूदन, बबूधन इसका नाम है, ये भी वैक्सीनेशन के लिए जा रहे हैं। और माशाल्लाह हम लोग एक साथ वैक्सीन लिए थे, और हमारा समय पूरा हो चुका है। हम लोगों ने जो वैक्सीन लिया था वो कोविशील्ड था, दो वैक्सीन दिया जा रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड। जो हम लोगों ने लिया था वो कोविशील्ड लिया था, तो उसका समय पूरा हो चुका है, और हम लोग जा रहे हैं दूसरे सेकेंड डोज के लिए। तो चलिए चलते हैं। ये देखिए हमारे हॉस्टल के लड़के मुंशी, काम कर लिया सेकेंड डोज है कि पहला डोज? सेकेंड डोज। सटा में हसला बता रहे। और ये आंटी इधर देखिए एक बार, आंटी सटा था नौका नौका का सेकेंड डोज लेते हुए पाव किधर? अपना फोटो ठीक, एक बार देखिए ना, एक बार एक बार। हेलो कोई आया अभी तो यार। और ये सेकेंड डोज लेते हुए चल चल मुंशी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, ज़्यादा दर्द भी नहीं लगा। हाँ अभी दर्द तो कोरोना से बचना है ना, तो लेना है ठीक है। और ठीक है, बहुत सारे लड़के आए हुए हैं यहाँ पर, सभी कोरोना का टीका लेने के लिए। सब हाय कर दो। हाय। और इधर हॉस्टल की लड़कियाँ हमारे, ये लोग भी कोरोना का टीका लेने आई है। और अब बारी है बबलू, ये भी टीका लेते हुए। और अब होपना के बारे ये वैक्सीन साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज में दिया जा रहा है।
छात्रावास में दोनों जपती दया जपे आलम जपे दा हम कितने जा ढील का में बेंदा सो यार सो जा आंख मुन ठीक है हम उठा के तुमको भेज देंगे ठीक आलम गसावार कलिसा आलम गसावार आ जा रवान के में मेरा बारे आएगा वो भी वैक्सीन देने वाले हैं और लेंगे ऐसे लगता है तू ही तुझे से एक बार बोल ले दिखता है तू पहला डोज तो सारा दे रहा है तेरा ये सॉल्व हो जाए लभी तो लभी क्या होगा क्या कर बहुत तो बड़ा मुस्कुराओ जी हंसो जी नहीं मेरे जिंदगी बढ़ा रहा है अपना मुस्कुरा हंसो अरे साहब ठीक है हाय हम पर समझ में नहीं पकड़ो मेरा हाय मोहन पासवान के द्वारा कौन है दिलीप मुर्मू कौन है दिलीप मुर्मू मोहन दा को देखते हैं पकड़ो रे बाबूआ और मैं बहुत खुश हूं इस आज मेरा दूसरा डोज है अच्छा हम लोग का मोहन दा का और मैं कोरोना से मुक्त हो जाऊंगा यहां पर बैठे हैं हम लोग का मोहन दा आगे में तो उसको इंजेक्शन देने वाले हैं हो गया मेरा काफी अच्छा लगा हो गया देखिए हम लोग का अभी बबू जीतता है और हमारे जो ग्रुप के लड़के थे सभी ने वैक्सीन ले लिया और बाकी बचे हुए बहुत सारे लोग और लड़कियां भी देखिए यहाँ पर और इधर मैच भी चल रहा है और ये साहिबगंज कॉलेज साहिबगंज और हम लोगों ने सबको सेकेंड डोज ले लिया है आप लोग भी अगर नहीं लिए हैं सेकेंड डोज तो जल्द से जल्द जाकर ले लें नज़दीकी वैक्सीन सेंटर में और पहला डोज भी आपने नहीं लिया है तो पहला डोज भी आप जल्द से जल्द अपने नज़दीकी वैक्सीन सेंटर में ले लें क्योंकि ये सुरक्षित है कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है इसमें कोई भी खतरा नहीं है इसमें और थोड़ी बहुत दर्द हो सकती है हाथ में और थोड़ी बहुत बीमारी जैसे जो मलेरिया टाइप का बीमारी है उसी तरह का हो सकता है तो उससे कोई घबराने की बात नहीं है आप ले सकते हैं और हम लोग ले चुके हैं सेकेंड डोज और वापस हम लोग हॉस्टल की ओर जा रहे हैं देखिए सभी कितने खुश है चलो हंसो सब सब लोग ले लीजिए ना तो आने वाले कल के लिए बहुत कष्ट होंगे आपके लिए हम लोग कृपया करेंगे कि आप लोग भी ले सो यार क्योंकि बहुत हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है आप ले लीजिएगा हम लोग ले चुके हैं नहीं तो एग्जाम के समय भी आपको घुसने नहीं दिया जाएगा और हो सकता है कि आपको नौकरी भी ना मिले तो जल्द से जल्द आप ले ले लेने की कृपया करें अपने जिंदगी के बारे में सोचे और अपने लाइफ के बारे में वैसे भी नौकरी नहीं मिल रही है सरकार ने नहीं पोल्ट्री फार्म खोली है तो हमारा कहना है कि जब ग्रेजुएशन कर लिए तो फिर पोल्ट्री फार्म खोलने की क्या जरूरत नहीं तो फॉर्म ही खोलना था तो फिर ग्रेजुएशन क्यों किया नहीं तो शायद बाद में निकाले शायद हाँ वो भी चांस है हम लोग ज्यादा इन्हें करें सरकार हम लोग का है एक बार तो क्या आप पोल्ट्री फार्म खोलने के लिए तैयार हैं ग्रेजुएशन क्यों हम तब किए तब हाँ तो बात आपकी मतलब भी सही है आपकी बात भी गलत नहीं है कि हम लोगों ने इतनी मेहनत से पढ़ाई लिखाई की है और नौकरी नहीं निकल रही है तो फिर इसका तो बात रखना ही पड़ेगा हाँ सीएम का भी बात सुनना जरूरी है कि लेंगे तो आप पता लगाए अंडा उंडा कहाँ मिलता है वो अंडा अभी डीसी के पास जाना पड़ेगा हम लोग तो देखिए हमारे दिलीप जी है ये पोल्ट्री फार्म खोलने की बात कर रहे हैं और अंडा बेचने की बात कर रहे हैं क्योंकि जो हमारे सीएम है हेमंत सोरेन उन्होंने कहा है कि आप लोग पोल्ट्री फार्म खोलिए वहाँ से भी पैसा कमाया जा सकता है तो देखते हैं कोशिश करेंगे और कुछ लड़के यहाँ भी हैं देखिए हमारे बेचारे बेरोजगार पड़े हुए यहाँ पर आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है ले लिया है बहुत अच्छी बात है देखिए ये लोग भी वैक्सीन ले चुके हैं और मैं पहुँच गया हूँ अपने रूम और यहाँ भी देखिए यहाँ पर सभी खाना खा रहे हैं और मैं गया था वैक्सीन लेने अच्छा। क्या आप लोगों ने वैक्सीन ले लिया है बिल्कुल पहला डोज या सेकेंड डोज आप सेकेंड डोज आपका
पूरा हो गया। और आपका चंदन जी? मेरा तो थर्ड डोज हो गया। थर्ड डोज। और लटकुट आपका कौन सा डोज? नहीं, मेरा एक ही डोज हुआ। एक ही डोज। और आपका सुबोध दा? मेरा भी एक है, दूसरा। और मेरा भी पाला हुआ है, अभी इसी महीना में हमको 10 तारीख से 15 से 10 के बीच में लेना है। आपका बबलू दा? मेरा पहला डोज हो गया, कल ही हम लिए। बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। कोरोना से आप बचे रहे, आपने वैक्सीन ले लिया है, तो वैक्सीन लेने का मतलब ही हुआ कि अब हम लोग बच्चा हम लोग वैक्सीन लिए हैं तो सिर्फ कोरोना से बचेंगे। हाँ, ओमिक्रॉन के लिए दूसरा वैक्सीन देना होगा ना? ये तो मैं भी नहीं बता सकता। कोरोना से तो रुकने के लिए तो हम लोग को टीका मिल गया है, लेकिन ओमिक्रॉन के लिए क्या करना होगा थोड़ा सा इसके बारे में? मुझे जहाँ तक जानकारी है, ये कोरोना का ही ब्रांच है ओमिक्रॉन, तो इससे जो हम लोगों ने वैक्सीन लिया अभी, इससे भी कुछ लाभ हो सकता है ओमिक्रॉन को रोकने के लिए। मेरे ज्ञान है मेरे पास थोड़ा बहुत, मैं उसी से कर। एक चीज बताइएगा मोहन जी, ओमिक्रॉन जो है कोरोना का छोटा भाई है ना बड़ा भाई है? बड़ा भाई है। मुझे तो लगता है ये बड़ा भाई बन जाएगा, अभी तो देखना है फ्यूचर में क्या होता है। वो कहा गया है ना, बाप 10 नंबरी बेटा 100 नंबरी, तो मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो वो बापे बन जाएगा। यहाँ तक हमको भी लग रहा है, ऐसे ही लग रहा है। तो देखिए क्या होता है। ठीक है, और बहुत अच्छा व्यवस्था है। देखिए पतड़ा में खाना बहुत आपके लिए भी सजा के रखा गया है। हाँ, और मेरे लिए भी खाना यहाँ बचा हुआ है, देखिए अभी मैं खाऊंगा मटन के साथ। हम लोग आज खा रहे हैं मटन। वाह, आज गुरु गोविंद किसी का जयंती है? हाँ, आज जयंती है गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह का जयंती है, तो उसी के उपलक्ष में हम लोग मटन बनाए हैं और खा रहे हैं। देखिए हड्डी भी चबा रहे हैं, देखिए बहुत स्वादिष्ट बना था। मतलब इतना स्वादिष्ट बना था, हड्डी में भी मसाला घुस गया था, इसलिए उसको भी चबा के खाना पड़ रहा है। भालो देखिए इधर, ये बहुत बदमाश लड़का है, लेकिन फिर भी जाने माने बदमाश लड़का। जितना वो बोल रहा है वो उतना नहीं है। देखिए ये भी ठूस रहे हैं, घुसा रहे हैं। इसका पैर टूट गया था, फिर रात भर में ठीक हो गया। ठीक है, मिलते हैं कुछ देर के बाद, अभी फिलहाल ब्रेक लेते हैं हम लोग।